तार्क ही अमर हो जाएगा महाराज। सुखदेव जी ने कहा मेरे भागवत रूपी अमृत को तुमने क्या ये अपने अमृत के समान जाना है? कहां कांच का टुकड़ा, कहां महाराज मणि? मणि में कांच के टुकड़े में तो बहुत आसमान का फर्क होता है, इसलिए नहीं मुझे ये स्वीकार नहीं है। इसलिए देवता भी धिक्कारते हैं इस मानवों को, क्योंकि भगवान की कथा को छोड़ते हैं महाराज। देवता स्वयं कहते हैं कि जो कथा हमारे लिए दुर्लभ है, ये हमको मिलती तो बड़ा आनंद प्राप्त होता। देवताओं के लिए भी भगवान की कथा नहीं मिली है महाराज। केवल कथा तो इस मृत लोक में सुनाई जाती है, स्वर्गलोक में कथा नहीं सुनाई जाती है। सूत जी ने कहा सौनकादिक ऋषियों से कि हे ऋषियों, एक बार क्या हुआ, देव ऋषि नारद जी नारायण नारायण करते हुए जा रहे थे, विचरण करते करते। देव ऋषि नारद जी विचार करते हैं, मैं कौन कौन के घर गया हूँ, किस किस देवताओं में लड़ाई करवा चुका हूँ, कौन कौन में लड़ाई नहीं करवाई है। बात याद आती है कि मैंने आज तक भोले बाबा के घर तो मैं गया ही नहीं। ओहो कितनी सुंदर बनती है उनके घर में, देखिए उनके गले में सर, हाँ, और उनके छोटे लाला का बहन क्या है, चूहा। अगर सर्प चूहे को देख लेगा क्या चूहे को छोड़ देगा? कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन कभी लड़ाई होती नहीं है, आपस में ऐसे मिलजुल के रहते हैं महाराज। उनकी पत्नी का बान है शेर और भोले बाबा का बान है नादिया बाबा। नादिया बाबा को शेर देख लेगा तो छोड़ देगा? कभी नहीं। लेकिन महाराज लड़ाई कभी नहीं हुई है। एक ही घाट में दोनों पानी पीते हैं महाराज, कभी लड़ाई हुई नहीं। हाँ हाँ, आज मुझे लगता है कि इन्हीं के घर में जाऊं और लड़ाई करवाऊं। देव ऋषि नारद जी नारायण नारायण करते हुए कैलाश की ओर चल पड़े हैं महाराज। भोले बाबा है नहीं, मैया पार्वती है। पार्वती मैया ने देखा नारद जी को, ओहो नारद, अरे नारद आओ आओ, नारद जरा आओ। नारद जी ने कहा देवी देवी जी प्रणाम। पार्वती ने कहा हाँ महाराज नारद जी, कैसा आगमन हुआ? अरे बहुत दिनों के बाद आए, सीधे निकल जाते, कभी हमारे घर तो आते नहीं, आज कैसे रास्ता भूल गए नारद जी? कछु बात नहीं है मैया। अरे नहीं नहीं, कछु तो बात है, क्यों नहीं आते हैं? बोले मैया ऐसी बात है, हम यहाँ होके जा रहे थे तो हमने सोची चलो मैया पार्वती से ही मिलते चलते। हाँ हाँ बहुत सुंदर बात है नारद, आओ विराजिए। नारद जी के लिए मैया पार्वती ने सुंदर आसन दिया और बैठा दिया। तो मैया पार्वती आकर के नारद जी से कहने लगी, नारद जी हमारे स्वामी हमसे कुछ ज्यादा प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा अच्छी बात है, कैसे? बोले गुरु मंत्र देता है तो कहते हैं बेटा शिष्य से क्या कि गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। कहते हैं कि बेटा इस मंत्र को गोपनीय रखना, बताना मत किसी को। लेकिन हमारे स्वामी जी अभी तो अपने गुरु मंत्र को ही मुझसे बता देते हैं। नारद जी ने कही बहुत अच्छी बात है देवी, ये तो पति पत्नी का प्रेम होता है, हाँ जब ही तो प्रेम बढ़ता है। पार्वती ने कहा महाराज हमारे स्वामी तो बहुत ही बोले, उनकी तो बात ही छोड़। नारद जी ने कहा ओहो तो बात तो अब बन गई, चलो कोई बात नहीं। ऐसा है, अच्छा तुम्हारे स्वामी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं? बोले हाँ महाराज नारद, इसकी तो कोई सीमा नहीं है, बहुत प्रेम करते।
मैं कहती हूँ स्वामी जी भोजन कर लो, तो कहते हैं भोजन बाद में करूंगा, पहले सारी बातों को बता दूंगा जब भोजन करूंगा। भोजन भी नहीं करते हैं पहले। तो नारद जी ने कहा देवी एक बात पूछूं। अरे पूछो नारद, क्या बात है? बोले तुम्हारे स्वामी के गले में जो मुंडों की माला पड़ी है वो किसके मुंडे हैं तो मालूम होगा। पार्वती जी पीछे हट गई, ओहो नारद इसका तो आज तक भी नहीं है मालूम मुझे, तो क्या प्रेम करते हैं मेरे स्वामी? इतने प्रेम करते हैं, इतने प्रेम करते हैं, क्या प्रेम करते हैं? कुछ प्रेम नहीं करते हैं, दिखावट का प्रेम करते हैं तुम्हारे स्वामी। पार्वती ने कहा नारद आज कुछ भी हो जाए आने दो मेरे स्वामी को, अब तो यही बात पूछूंगी। मैंने सुना ओ हो इतने प्रेम करते हैं, सारी बात बता देते, जो मुख्य बात थी वो ही छुपा के रखी है मेरे से। बोले हाँ देवी, जो मुख्य बात थी वो ही तुम्हारे स्वामी ने छुपा रखी है तुमसे, आज तक नहीं बताया। बोले नहीं नारद बिल्कुल भी नहीं बताया, आज तक बिल्कुल भी नहीं। तो जाओ तुम अपने स्वामी से पूछ लेना, अब हम तो चलते हैं। पार्वती ने कही नहीं नहीं नारद तुम्हारे सामने पूछूंगी। अरे अरे देवी फिर तो बहुत बुरा काम हो जाएगा, हमारे सामने पूछेंगी, हमारा तो नाम ही मत लेना। अच्छा बोले हाँ ये मत कहना कि नारद हमारे घर पर आए, बिल्कुल मत बताना नहीं तो देवी गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा ठीक है नारद जी नहीं कहूंगी। नारद जी नारायण नारायण कर तो है कैलाश से चल पड़े हैं हमारे। और सूत जी ने कहा इस प्रकार से भगवान शंकर जी आए। पहले क्या था कि पहले भवन बनता था तो उसमें एक भवन अलग से बनता, उस भवन पर लिखा रहता कोप भवन। जैसे मैयाएं रूठ जाती अपने पति देवों से तो उसमें जाकर के सो जाती, इसलिए पति देव समझ जाते कि हमारी देवी जी हमसे रूठ गई हैं। इसलिए आज पार्वती मैया उसी भवन के लिए दौड़ पड़ी हैं, वहां जाकर के सो जाती। भगवान शंकर आए कहने लगे अरे देवी अरे देवी, लेकिन देवी की बात नहीं सुनी मैया ने। भगवान शंकर कहते हैं अरे देवी तू कहाँ है? तो गणेश जी आते हैं दौड़े दौड़े, अरे पिताजी पिताजी आज तो मैया ने भोजन भी नहीं बनाया है, भूखे हैं। बोले क्या हुआ? मैया कोप भवन में सो रही हैं, उठ ही नहीं रही हैं, सवेरे से उठा रहा हूं लेकिन उठ ही नहीं रही। भगवान शंकर जी ने कहा ओहो तो क्या गणेश जी नारद जी का चक्कर तो नहीं लगा? ऐसा तो नहीं कि नारद जी आए हुए? बोले नहीं पता नहीं है ये तो, नारद जी का तो मुझे मालूम नहीं है पिताजी, मुझे लगता है कि वो नारद का चक्कर जरूर लगा है। हाँ हाँ तुरंत ही भगवान आज सूत जी ने कहा भगवान शंकर जी मैया पार्वती के यहाँ चल पड़े और कहने लगे क्यों देवी क्या बात है क्यों नाराज हो? पार्वती मैया कहने लगी महाराज हमसे मत बोलो। क्यों? अरे आप ऊपर से काले हो और अंदर से भी काले हो, आज समझी हूं मैं तुमको। तुम कहते मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूँ, इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ, तुम नहीं, तुम तो केवल दिखावट का प्रेम करते, आज मैं तुम्हारी लीला को समझ गई। क्यों देवी ऐसी कैसी बात है? बोले बात कुछ नहीं है, पहले ये बताओ तुम जो गले में मुंडों की माला धारण करते हैं तो ये मुंड किसके? भगवान शंकर जी कहने लगे अरे देवी जभी तो मैं कह रहा हूं तुमसे मैं बहुत प्रेम करता हूं। बोले कैसे? बोले आप जिंदी हो जीवित हो जब तक तो प्रेम करता हूं, और जिंदी होकर तुम मर जाती हो फिर भी तुमसे प्रेम करता हूं, तुम्हारे मुंडों को मैं अपनी माला में पहन लेता हूं। पार्वती ने कहा हा आज मालूम पड़ा है महाराज, क्या मैं मर जाती हूँ आप नहीं मरते हैं? बोले नहीं मैं तो अमर कथा सुन रखी है, मैं तो अमर हूं। ओहो अच्छा तुमने अमर कथा सुन रखी है? बोले हाँ हाँ देवी मैंने तो अमर कथा सुन रखी है, इसलिए मैं अमर हूं।
पार्वती ने कहा, महाराज ऐसी कैसी बात है, मैं कितने बार मर चुकी हूँ। बोले आप देख लो, जे इतने मुंडे हैं, जे सारे तुम्हारे ही मुंडे हैं, तो मरती है मैं तुम्हारे सिर को मेरी माला में पहन लेता हूँ। अच्छा, बस एक सुमिरना की और जरूरत है, मेरी माला तैयार हो जाएगी, 108 की बनकर के तैयार हो जाएगी। पार्वती ने कहा, महाराज अब कुछ भी हो जाए, अब भोजन नहीं करूंगी बिल्कुल। भगवान शंकर जी ने कहा, तो देवी क्या करोगे? बोले हमको भी अमर होना है अब। बोले अमर? बोले हाँ, कुछ भी हो जाए हमें अमर होना है और अभी होना है। बोले नहीं देवी, अब अमर कैसे होंगे, अब नहीं हो सकते। बोले नहीं महाराज, कुछ भी करो, अमर कथा पुनः सुनाओ मुझे। तो भगवान शंकर जी ने कहा, अच्छा देवी आप अमर कथा सुनेंगे? बोले हाँ। तो भगवान शंकर जी ने कहा, देखिए देवी, आप देखिए हमारे कैलाश पर्वत पे कोई यहाँ पर है तो नहीं है, कोई हमारी अमर कथा को सुनेगा तो नहीं है, देख कर क्या हो जल्दी। तो मैया पार्वती गई हैं तो देखती हैं क्या के पशु पक्षी बैठे हुए हैं वृक्ष में। पार्वती लौट करके आई, महाराज महाराज कोई नहीं है लेकिन पशु पक्षी जरूर हैं। भगवान शंकर जी ने कहा, अच्छा? बोले हाँ। तो भगवान शंकर जी ने डमरू को लिया है, जोर से बजाया महाराज, तो सारे पक्षी कैलाश को छोड़ करके उड़ जाते हैं। लेकिन वहां पर एक शुक का फूटा हुआ अंडा पड़ा था, वो महाराज निर्जीवित था, सजीवित नहीं था, उसमें कोई जीव नहीं था। पार्वती ने विचार किया, ये तो इसमें तो कोई जीव भी नहीं है, ये क्या कथा सुनेगा। भगवान शंकर जी के पास में मैया पार्वती आई, पार्वती ने कहा, महाराज अब कोई नहीं है, अब अपनी अमर कथा को शुभारंभ कीजिए। आज भगवान शंकर जी अमर कथा सुनाते हैं, वो कौन सी कथा? बोले वो मेरे ठाकुर जी की कथा सुनाते हैं। भगवान राम जी का जन्म हुआ देवी, उन्होंने ऐसी लीला की, कथा सुनाने से पहले मैया पार्वती को सचेत कर दिया कि हे देवी, मैं तो कथा सुनाऊंगा तो मुझे एक बात कह रहा हूं तुमसे, ध्यान से सुनना। पार्वती ने कहा, बोलो महाराज, कि थोड़ा ओम ओम बोलते रहना जिससे मुझे मालूम पड़े कि देवी कथा सुन रही है। तुम ओम ओम बोलेंगी तो मुझे मालूम पड़ेगा कि हाँ देवी कथा सुन रही है, और मैं कथा सुनाऊंगा देवी सो रही है और मैं वैसे ही भूखता रहा, इसलिए मुझे भी सचेत होता रहेगा कि देवी कथा सुन रही है। पार्वती ने कहा, महाराज उसकी चिंता मत कीजिए, वो तो मैं जरूर कर लूंगी। भगवान शंकर जी ने कथा प्रारंभ की है कि भगवान का जन्म हुआ, भगवान ने ऐसी लीला की, भगवान ने ऐसी लीला की, भगवान ने ऐसी, इस तरह भगवान राम जी की कथा को विराम दिया। जैसे ही कृष्ण कन्हैया की कथा सुनाने लगे हैं तो आज निंद्रा भंगम कुथं चेमम, आज मैया पार्वती को नींद आ जाती है, हमारा निद्रा घेर लेती है मैया पार्वती को, और मैया पार्वती सो जाती है। और जैसे ही ओम ओम नाम का शब्द उच्चारण बंद हुआ, वो बालक, वो सुख का बालक जो फूटा हुआ अंडा पड़ा था, वो आज भगवान जीवित हो जाता है और मैया पार्वती के पीछे बैठ करके ओम 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 बोलने लग जाता है। हमारा भगवान शंकर जी कथा सुना रहे हैं, वो बालक ओम 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 बोल रहा है। आज सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों से कहा कि इस तरह जैसे ही कथा को भगवान शंकर जी ने विराम दिया, भगवान शंकर जी ने जोर से जयकार लगाया, बोली श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हे मैया जय तो बोलो कम से कम, के कछु खाके नहीं आई है मेरी मैया, और काऊ मैया के काऊ से लड़ाई हो जाएगी तो दो गांव तक आवाज वैसे ही पहुंच जाएगी, भैया जय मैं तो बिल्कुल मौन हो गई है, बिल्कुल नहीं बोल रही है। जय हो मेरी मैया, कोई बात नहीं।
जैसी आज भगवान राम जी की जयकार लगाया, मैया पार्वती की नींद खोले, महाराज महाराज, भगवान शंकर जी ने कहा हां देवी बोलो, महाराज कथा बंद पूर्ण हो गई। हां कथा पूर्ण हो गई, क्या आप कथा नहीं सुन रही क्या? बोले नहीं महाराज, थोड़ी सी तो कथा सुनी, उसके बाद में महाराज मुझे नींद आ गई, मैं सो गई। भगवान शंकर जी ने कहा नहीं देवी, आप झूठ बोल रही हैं, बिल्कुल ओम ओम नाम के शब्द की उच्चारण मेरे कानों तक आ रहा है और तुम कह रही हो सो गई। बोले नहीं महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने थोड़ा तो कथा सुना, उसके बाद में मुझे नींद आ गई महाराज, मैंने कथा पूर्ण नहीं सुनी। भगवान शंकर जी ने कहा तो देवी जी कथा किसने सुनी? तो भगवान शंकर जी देखते हैं तो मैया पार्वती के पीछे आज भगवान वो शुक का बालक पड़ा हुआ है, ओम ओम शब्द का उच्चारण कर रहा है महाराज। भगवान शंकर जी को कभी क्रोध नहीं आया, आज भगवान शंकर जी को ऐसा क्रोध आया महाराज कि अपना त्रिशूल उठा लिया और कहा अवे मूर्ख, अवे पापी, तूने मेरी अमर कथा चोरी से सुनी है, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान शंकर जी ने उस त्रिशूल को लेकर के आज उस बालक को मारने के लिए दौड़े हैं। वो बालक शुक्का उड़ते उड़ते व्यास महाराज की आश्रम की तरफ चल पड़ा है, आगे आगे वो बालक जा रहा है, उड़ते उड़ते पीछे पीछे भगवान शंकर जी त्रिशूल को लेकर के दौड़ते हुए चले जा रहे हैं महाराज। आवाज लगा रहे हैं खबरदार मूर्ख रुको, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन वो बालक नहीं सुन रहा है। उधर सूत जी ने कहा कि वीट का जो व्यास जी महाराज की पत्नी है वो आज दक्षिण दिशा की तरफ अपने किशोर को सुखा रही थी, तो जम्भाई आती है, वो बालक महाराज जम्भाई के साथ ही आज उसके गर्भ में प्रवेश कर जाता है। भगवान शंकर जी त्रिशूल को लेकर के व्यास जी महाराज के सामने पहुंच गए। व्यास जी ने कहा महाराज महाराज कैसे कैसे आगमन हुआ? भगवान शंकर जी ने कहा कि आपके घर में मेरा शत्रु आया है। शत्रु? बोले हाँ हाँ शत्रु। बोले कैसा शत्रु? बोले मेरी अमर कथा को सुनी है उसने चोरी से। अच्छा? बोले हाँ, आज मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, निकालो उसको। व्यास जी महाराज ने कहा महाराज मुझे लगता है कि आज तुम कुछ ज्यादा भांग तो नहीं पी गए, तुम्हें कुछ ज्यादा नशा हो गया हो इसलिए। मेरे घर में तुम्हारा शत्रु कहां से आया? बोले नहीं महाराज, वो तुम्हारे घर में ही प्रवेश हुआ है, उसको निकालो, मैं उसका वध करूंगा। व्यास जी महाराज ने कहा अच्छा, किसकी चोरी की है? बोले अमर कथा की। तो व्यास जी ने कहा जब अमर कथा ही सुन ली है तो वो तो अमर हो गया, तुम कैसे मार सकते? तुम नहीं मार सकते, लौट जाओ। भगवान शंकर जी ने कहा बात भी सत्य है, उसने तो मेरी अमर कथा सुन ली, वो तो अमर हो गया। हाँ बात तो सत्य है, मैं नहीं मार सकता भगवान, देखिए मनुष्य बड़े बड़े ख्वाब सोचता है भगवान। हाँ